तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप महंगाई राहत कैंप का ऑनलाइन स्टेटस किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। उससे पहले सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पर मैं आप सभी के लिए हेल्पफुल वीडियो नई नई लेके आता रहता हूँ। तो देखिए, इसके लिए आपके कंप्यूटर में भी कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, मोबाइल में भी कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट आ जाना है mrc.rajasthan.gov इस वेबसाइट पे। अगर आपको ये लिंक नहीं मिलता है तो इसकी लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डायरेक्ट आप इस लिंक पे आ पाओगे जहाँ पे इस प्रकार का आपको बैनर पेज मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखिए कैंप खोजे जिले पर, आप यहाँ पे कैंप खोल सकते हो आपके। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है देखने का। यहाँ पे निकटतम कैंप यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। उसका जो हमें नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्ट्रेशन की स्थिति खोजे, तो आपको जो ये ऑप्शन मिलता है आपको इस ऑप्शन के अंदर आपका जन्म आधार कार्ड नंबर लगाना होगा। यानी कि जिस जन्म आधार कार्ड नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है वो जन्म आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको लगाना है। जन्म आधार कार्ड नंबर लगाने के बाद आगे आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पे ओके करना होगा। जैसे ही आप सर्च वाले निशान पे ओके किया तो नीचे देखिए यहाँ पे हमें जन्म आधार कार्ड नंबर और कौन सी योजना में रजिस्टर्ड है, कितनी योजना या टोटल योजना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि एक जन आधार कार्ड जो 5 योजनाओं में रजिस्टर्ड है, 500 की 500 योजना यहाँ पे दिखाई दे रही है। और नीचे आप नरेगा जॉब कार्ड हो गया, अगर कोई फूड पैकेज में तो फूड पैकेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, काम दिनों में तो काम दिनों यहाँ पे दिखाई दे रही है। जितनी योजना में आप पात्र थे उतनी योजना में, जितना योजना का आपका रजिस्ट्रेशन हो गया वो योजना यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि आप योजना में पात्र होते हो लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है आपने, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे स्टेटस देख लीजिए। जिस योजना से आप वंचित रहे हो उसी योजना का आप नजदीकी कैंप में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अब रही बात की MRC कैंप समाप्त हो गए हैं क्या, यानी कि महंगाई राहत कैंप जो 30 जून तक चलने वाले थे लेकिन 30 जून निकल गई है, तो अब हमारे रजिस्ट्रेशन होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इस कंडीशन के अंदर ये बात है कि आपके रजिस्ट्रेशन होंगे लेकिन कुछ जगह पे होंगे, जैसे पंचायत समिति में, नगर पालिका में, इस प्रकार की कुछ जगह है वहीं पर आपके रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, तो वहां पर जाकर के आप आपके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उम्मीद है आपको महंगाई राहत कैंप का किस प्रकार से स्टेटस चेक करना है ये जानकारी पसंद आ गई होगी और समझ भी दिया गया होगा किस प्रकार से आपको स्टेटस चेक करना है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।